बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जैसे इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट के लिए पहले हमने लोकेशन सीख लिया था पिछले स्लाइड्स में कि कैसे इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, जो हमने 10-20 इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम और इस मेथड से हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। नाउ मैं अब ये बता रहा हूँ कि उनके इलेक्ट्रोड्स को रखने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, अब ये देखो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से चेहरे डिफरेंट पोजिशंस पे रखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे रखे जाएंगे, ये रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद ये इससे जोड़ दिया जाता है। अब ये देखो इस एडल्ट में जिसके पास बाल कम है वहां तो बहुत इजीली फिक्स किए जा सकते हैं, जिनके पास बाल ज्यादा है उन लोगों में तो कभी कभी मैं हेयर को थोड़ा सा उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो हमने मार्क किए हैं वहां पे थोड़े से बाल को कटिंग भी कर दिए जाते हैं, थोड़े से साफ कर देते हैं और उसके बाद रखते हैं। और इमेजेस देखो इसमें, ये देखो जैसे ये लेडी है इसके कैसे इलेक्ट्रोड रखा गया, थोड़ा सा नीचे बाल थोड़ा सा साफ कर दिया जाता है इस एरिया में और वहां पे इलेक्ट्रोड के साइज का या थोड़ा सा बाल सेपरेट करके इलेक्ट्रोड को प्रेस करके उसको टेप से चिपका देते हैं। इस तरह से यू कैन नोटिस हियर कि हाउ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। उससे पहले मार्क कर लेना जरूरी है कि कौन सा उनका इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड प्लेस करने वाले हो, तो उन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने के नंबर पहले मार्क कर लेते हैं और बाद में वहां पर। अभी और एक इजी मेथड आ गया है, ये सब सारा कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले मेजर करो फिर उसके ऊपर लगाओ फिर रिकॉर्डिंग आएगा और फिर उसे पढ़ो। अभी नाउएडेज अब एक बहुत सिंपल सा कैप इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं, यू कैन सी ये कैप जैसा होता है उसे सीधा पहना देते हैं और इलेक्ट्रोड्स ऑटोमेटिकली उसके नियर अबाउट सेम प्लेसेज में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में उसके प्लेस उसमें मल्टीपल पॉइंट्स लगे होते हैं, क्या करते हैं इसमें पहले मेजर कर, अब जैसे कैप पहना देते हैं और उनके मल्टीपल जो पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं वो उसमें प्लगिंग कर देते हैं कैप में पहना के, और उसके अंदर में जैसे चूट बटन होता है उस तरह से उसके अंदर, अब सभी के सेम जगह पे तो होंगे नहीं, सभी के हेड के साइज अलग अलग होंगे, किसी का कैप छोटा किसी का कैप बड़ा, तो ऐसे टाइम के लिए क्या करते हैं उसको कैप में अंदर ही देयर आर मल्टीपल प्लेसेज आर मार्क, बहुत ऑलरेडी प्लेसेज मार्क है। अब आप क्या करोगे वो वाला जो बटन है आप किसी में यहाँ लगेगा तो किसी में यहाँ लगेगा, जरूरी नहीं है कि सब में उसी जगह पे लगेगा, तो वो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और ज्यादा बेटर तरीके से आप। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो हेड को पूरे बाल को सेव करना पड़ता है, तो सेविंग करना मेल्स लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फीमेल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल आती है, तो बट स्टिल दिस इज मेल बाल इस तरह से सेव करके उसके ऊपर ये कैप पहना दिया जाता है और उसको आराम से उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इट इज वेरी सिंपल मेथड, ऐसे करके पेशेंट जो है सो आराम से सो जाता है, नहीं तो अदरवाइज छोटे बच्चों में जिनमें की कैप साइज के होते नहीं है सही से मिलते नहीं है, तो ऐसे टाइम में इलेक्ट्रोड का सही प्लेसमेंट करने के लिए एग्जैक्टली सेम मेथड यूज करना चाहिए। अच्छा, बच्चों में जरूरी नहीं है कि हम सभी इलेक्ट्रोड प्लेस ही कर दें, हम टिपिकल मेन इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं और फिर सीधे इजी वेव्स में जितने वेव्स हमें पता लग पाता है उतना देख लेते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन नोटिस कि हाउ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। छोटे बच्चों के भी छोटे वाले कैप भी आते हैं वो भी किए जाते हैं। सो आप लोग जब प्रैक्टिस में आओगे नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उस टाइम तक और भी सोफिस्टिकेटेड चीजें आ चुकी होंगी। सो अभी ये सब चीजें हैं तो मैं आपको एडवांस चीजें थोड़ा सा, नहीं तो हम लोगों के टाइम में तो यही वाला था चिपकाने वाला ही, ये कैप वाला अभी नेक्स्ट 2-3 साल पहले ही आया, लास्ट 2-3 साल पहले ही आया और आप लोगों के टाइम में और अच्छा हो जाएगा। बेसिकली जब वो इलेक्ट्रोड्स होती है, अब उन इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर देने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, अब उसकी रिकॉर्डिंग जब होगा तो इंडिविजुअल लीड से इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग आएंगी, तो अब आपके पास ऐसा एक लाइन नहीं आएगा, आपके पास मल्टीपल लाइंस आएंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग लाइंस अलग अलग वेव्स, ऐसे सीक्वेंस ऑफ वेव्स आपके पास आएंगे। सो अभी हम दिखाएंगे आपको कि जो रेस्टिंग स्टेट में कैसा लाइंस दिखता है, ड्राउजीनेस में कैसा दिखेगा, स्लीपिंग में कैसा दिखेगा। सो दिस इज बेसिकली द इजी वेव्स दैट वी विल रीड। तो बेसिकली यही करते हैं कि स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स को रख दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई एंड देन मशीन में फिल्टरिंग होती है कि कोई एबनॉर्मल वेव्स को ना उसके अंदर रहे, देन
और वो रिकॉर्डिंग होती है पेपर पे, आइदर पेपर पे, अभी नाउएडेज कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया तो कंप्यूटर में अपने आप ही वेव चल रहा होता है और एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम सेव कर लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि दिस इज द इजी वे. This is basically, you can see the what are the brain computer interface process, means brain waves को computer में कैसे देखा जाता है. तो इसके steps मैं बता रहा हूँ कि पहले जैसे कि हमारे brain के अंदर कोई thought process है या हमारा brain wandering है, just sleeping है किसी भी time में, और जब हम उसके ऊपर electrodes लगे होंगे, electrodes से waves जो है सो generate होना शुरू होते हैं. वो waves उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, हर्ज में देखते हैं बेसिकली, हर्ज में, और उसका एम्पलीट्यूड जो कि हम लोग मिली वोल्ट में देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दैट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड हम लोग वेव के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं और हम उस वेव को क्लासिफाई करते हैं एंड देन वी विल डिटेक्ट द थिंग्स एंड इट इज एंड अल्टीमेटली देन वी विल यूज फॉर इट्स एप्लीकेशन, मीन्स हम उसको अप्लाई करते हैं अपने फायदे के लिए. सो दिस इज बेसिकली द ईजी वेव्स एंड हाउ दे आर रिकॉर्डेड एंड हाउ दे आर कमिंग. So this is a brief summary or basics of this. More details you will learn when you will go in neurology, not in medicine, not in MBBS whole course. Bad luck ye ki jo ECG to aap baar baar padhoge, lekin EEG ke waves ko bhi padhna aur dekhna ye aapko bahut hi directly physiology ke baad direct neurology mein hi padhna. So try to repeat these things, try to understand kya hai. Now about the different waves of normal EEG. Normal EEG में कौन कौन से different waves हैं? I told you that different waves के characteristics के लिए दो important characteristics हम लोग पढ़ते हैं. One is called frequency, another is called amplitude. Either millivolt में या in microvolt में. So depending upon millivolt or microvolt and उसके अंदर कितनी frequency और कितने amplitude है, उसके accordingly waves के नाम दिए गए हैं. There are four important major types of EEG wave. First and foremost, that is named, is called as alpha wave. Alpha wave is seen in adults doing rest, eye closed but mind wandering. Alpha wave is most prominently seen in occipital region. हमारे posterior region से ज़्यादा better दिखाई देता है. किसमें? Adult में, resting position में. Eyes are closed but mind are wandering, means person should be awake but eye closed. So ye yadi koi awake ho aur eye closed ho, so this is the normal wave called alpha wave. Aur us alpha wave ka frequency is 8 to 13. Aap sirf frequency yaad rakho, amplitude abhi yaad mat rakho. Frequency yaad rakhna bhi bahut easy hai. I will tell you how, what are the things to remember. So first and foremost is the 8 to 13 frequency wala wave, that is called alpha wave. Next wave, same person jisko ki humne kya bataya, aankh band hai aur mind is wandering, he is resting, like jaise main chair pe abhi is tarah se baitha hu, to us time mein yadi EEG ka recording hoga to alpha waves dikhai denge, jyada prominent occipital region mein honge, other regions mein bhi dikhai dete hain. Then coming to the beta wave, second waves mein होता क्या है, जब सेम पर्सन या पर्सन यदि मेंटल एक्टिविटी करने लगे तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एंड दैट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज बीटा वेव. ये जो अल्फा था, अल्फा से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, मींस 8 टू 13 था और उससे ज्यादा 13 से 30 तक यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, इट इज ड्यूरिंग द सिंपल मेंटल एक्टिविटीज. इट इज बेसिकली आई इज ओपन and he is doing some attention towards something. यदि किसी चीज को आप ध्यान दे रहे हो, जो ध्यान से देख रहे हो या सुन रहे हो, तो उस टाइम में जो वेव आते हैं, हमारे ब्रेन का एक्टिविटीज मैक्सिमम होता है और वो दैट ब्रेन वेव इज कॉल्ड एज बीटा वेव्स. सो अल्फा एंड बीटा. देयर इज अनदर वेव कॉल्ड गामा वेव व्हिच इज नॉट सीन इन द टेबल एंड इन मेनी प्लेसेस, जिसको कि गामा वेव्स बोलते हैं. गामा वेव उस वेव को बोलते हैं जिनकी की फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 हो,
कुछ वेव्स ऐसे भी आएंगे कभी कभी जिनकी की फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 हो, ये उन लोगों में आते हैं जिनका की बहुत हाई टेंडेंसी और ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कर रहे हो और कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो या कुछ याद कर रहे हो जोड़ लगा के यार याद नहीं आ, तो उस टाइम में कभी कभी हमारा 30 से ज्यादा भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गामा वेव। बट नाउ गामा वेव इज नॉर्मली नॉट सीन, गामा वेव के लिए आप जो है सो इलिसिट नहीं कर सकते हो, सो इसीलिए गामा वेव इस टेबल में नहीं दिखाया गया। तो अल्फा वेव एंड बीटा वेव, अल्फा वेव इज 8 to 13, बीटा इज 13 to 30। नाउ 8 से कम वाले कुछ दैट इज कॉल्ड थीटा वेव, 8 से कम यानी 4 to 8 फ्रीक्वेंसी वाला वेव है, दैट इज कॉल्ड थीटा वेव। इट इज सीन इन ड्रॉजी पर्सन, जैसे कोई एजल्ट यदि नींद आ रही है, जैसे आंख बंद किया था माइंड वॉन्डरिंग, तो अल्फा वेव थे और थोड़ी देर के बाद क्या होगा उसको मान लो नींद आ गई, और नींद आ गई दैट ड्रॉजीनेस कंडीशन में ब्रेन वेव थोड़ा स्लो हो जाएगा, एंड दैट स्लोइंग इज बेसिकली 4 to 8। चिल्ड्रेन में देखा गया है कि इनके अंदर ब्रेन वेव थोड़ा स्लो मिलते हैं, एंड दैट इज थीटा वेव। ये जो 4 to 8 फ्रीक्वेंसी वाला, दिस वेव इज कॉल्ड थीटा वेव। इट इज ऑल्सो सीन इन द कंडीशंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व मोस्टली प्रोमिनेंटली इन ऑक्सीपिटल रीजन। इमोशनल डिस्ट्रेस के टाइम में भी हमारे ब्रेन वेव थोड़े स्लो हो जाते हैं, सो दैट इज सीन इन दिस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड थीटा वेव्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हेन द पर्सन इज इन डीप स्लीप, यदि कोई एडल्ट यदि डीप स्लीप में हो, तो दैट वेव इज कॉल्ड एज कॉल्ड डेल्टा वेव्स, एंड डेल्टा वेव इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्लीप। ये स्लीप के टाइम में ही दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वेव, और इसका फ्रीक्वेंसी और भी कम है, दैट इज 0.5 to 4। सो टू रिमेंबर दिस, द स्लोएस्ट वेव इज द डेल्टा, डेल्टा के बाद थीटा, थीटा के बाद अल्फा बीटा गामा, सो डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा, यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा। सो इस तरह से आप लोग ब्रेन वेव्स के, और आपको नंबर्स क्या याद रखने हैं, 4, 8, 13, 30 मीन्स 0.5, लेस देन 4 इज कॉल्ड डेल्टा, यानी हमने नंबर्स क्या क्या याद रखे, 4, 8, 13 और 30। यदि आप ये चार नंबर याद रखेंगे तो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। लेस देन 4 इज कॉल्ड एज द डेल्टा वेव, 4 to 8 इज कॉल्ड एज डेल्टा के बाद थीटा वेव, 8 to 13 इज कॉल्ड अल्फा वेव, 13 to 30 इज कॉल्ड बीटा वेव, मोर देन 30 इज कॉल्ड गामा वेव। सो वी हैव दीज डिफरेंट वेव्स, different types of brain waves in normal EEG. तो अभी तक हमने आज पढ़े, हमने क्या क्या पढ़े, आज हमने हमने पढ़े EEG का application क्या क्या है, EEGs क्या क्या होते हैं, then we told you that EEG में electrodes कैसे place करते हैं, then electrodes placement के बाद हमने देखे कि what are the different types of waves in normal EEG. I just want to show you some features of the EEG. अभी ये frequency देखा आपने, अब हमें रिकॉर्डिंग्स कैसा दिखता है EEG का, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में वो दिखाएंगे। यू सी दीज आर द वेरियस रिकॉर्डिंग्स शोन फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से दिखाया गया। सो स्लोएस्ट वेव जो हमने बताया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज द डेल्टा वेव। व्हाट यू कैन नोटिस दैट दे आर कमिंग इन सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, कितने दूर दूर के बाद ये वेव कंप्लीट हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्लो एंड लार्ज वेव्स, and it is called as the delta waves. Next, इससे थोड़ा fast है, you can see, just इससे fast है, this wave is called as the theta wave. So there is the faster than the delta, but it is also the slow wave. So ये दोनों wave को slow wave ही माने जाते हैं, theta wave and delta wave को slow wave माने जाते हैं. Now coming to next wave, that is called alpha wave. Alpha wave का बारे में हमने बताया कि alpha wave is seen when amplitudes can vary. You can see here, same wave ke frequency mein teen alpha waves dikhaye gaye hain. Amplitudes can vary depending upon ki person kaun sa area of brain use kar raha hai. Because this is seen in condition of mind wandering. What I told you, ki occipital area mein sabse jyada prominent dikhai deta hai. But lekin dusre areas mein bhi EEG waves dikhai denge. So this is basically, you can see ki these are the three same waves and alpha waves. You can see the frequency
but this frequency is faster as compared to the theta. So this is alpha waves. Beta waves more faster. इतना faster है कि individual waves कितनी बार आप characteristic नहीं कर पाओगे. Means वो एकदम जल्दी जल्दी एकदम zigzag lines इस तरह का आएगा. And so we cannot appreciate sometimes the waves. So इसको देखने के लिए क्या करते हैं computer screen पे इसको थोड़ा सा हम और लंबा area ले लेते हैं, stretch out कर देते हैं. And तब हम थोड़ा सा देख पाते waves की characteristics कि number of waves कितने. So this is these are the various four types of waves how they are seen. I will read next topic that is इसी का ही continuation है. ये हम लोग next class में पढ़ेंगे. आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतने तक ही पढ़ के आप लोग अभी छोड़ो. अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल वेव्स कैसे दिखते हैं और वो स्लीप के टाइम में कैसे दिखते हैं, स्लीप के डिफरेंट फेजेस में कैसे दिखते हैं ईईजी के वेव्स. सो हम लोग अब कल पढ़ेंगे ईईजी के बारे में और डिटेल्स कि हाउ दीज वेव्स आर सीन. मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ अल्फा रिदम्स के बारे में. यू कैन सी हियर कि ये डिफरेंट रीजन से ये देखो अल्फा वेव्स कैसे कैसे दिख रहे हैं. सिमिलरली अल्फा रिएक्टिविटी है. You can see कि कभी-कभी आईज ओपन करने से क्या होगा. ये चीजें हम बाद कल हम फिर से पढ़ेंगे. We will read tomorrow. Thank you all. So I am stopping my class. Thank you, sir. Thank you, sir.